क्षेत्र में 96 लाख घोटाले का मामला। गबन में हुए 96 लाख में 18 लाख का यहाँ पर बॉर्नविटा च्यवनप्राश और दूध सब्जी की खरीद फरोख्त में भी घोटालेबाजी हुई है। 24 मार्च को बंद हुए स्कूल, 22 को हुआ आदेश, ठेकेदारों की साठगांठ से यहाँ पर हजम किया गया पैसा। राजेश हमारे साथ जुड़ चुके, राजेश किन किन लोगों की जांच की जा रही इस पूरे मामले को लेकर? आपको बता दें कि जो 96 लाख का घोटाला गोंडा में हुआ है, इसमें चूंकि 17 कस्तूरबा स्कूल है और यहाँ पे 1700 बच्चियां अध्ययनरत हैं, लेकिन जो अब स्कूल बंद था तो ये पैसा आखिरकार खर्च क्यों किया गया और इसका गबन कैसे हो गया, अब इस पूरे मामले की एक एक परत धीरे धीरे खुल के सामने आ रही है। जिसमें ये पता चल रहा है की 18 लाख रुपए का बॉर्नविटा, जो जिस पीरियड में स्कूल बंद था कोरोना काल के दौरान, उस पीरियड में जब बच्चे स्कूल में नहीं थे तो आखिरकार ये 18 लाख का बॉर्नविटा और च्यवनप्राश ये कौन खा गया? और इसके अलावा 360 रुपए की जो च्यवनप्राश ओपन मार्केट में था उसकी खरीदारी जो है वो 600 रुपए में की गई। दूध सब्जी के नाम पर 1,80,000 रुपए हजम हो गए, 1,25,000 रुपए स्टेशनरी में खत्म हो गए और इसके अलावा 80,000 रुपए का एक एक स्कूल में तेल, साबुन, बैग, जूता, मोजा ये सब खरीदा गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा घोटाला है। 96 लाख रुपए का घोटाला ऐसे समय पे हुआ जिस समय स्कूल बंद थे और इनकी सारी सामानों की खरीद फरोख्त की गई और प्रेरणा ऐप पोर्टल पर किसी भी बच्चे की उपस्थिति नहीं पाई गई, जिसको लेकर के संजय सिंह ने इस पूरे मामले को उठाया था, जिसके बाद अब धीरे धीरे इसकी जो परत है वो एक के बाद एक खुलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।